तो जी डलो जी, में आपका स्वागत है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हमने आपको माता पोलानी का मंदिर दिखाया था, और इस व्लॉग में आप पूरा डलहौजी देख पाओगे। चलिए, ये तीनों फोर्ट्स का एक छोटा सा एग्जीबिशन टाइप लगाया हुआ है। जैसे ही आप खजियार से डलहौजी में आओगे, डलहौजी के एंट्रेंस पे ही है, इस पे एयर फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों फोर्स के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उनके सारे गोला बारूद दिखाए हुए हैं। कोई वॉर मेमोरियल टाइप बनाया हुआ है ना ये, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, ज़्यादा तो हमें नहीं पता। लेकिन ये देखो आप, ये क्या मन्नू? एंकर, शिप एंकर होता है, अपने पानी में तो छोड़ देते हैं। हाँ, शिप एंकर लिखा हुआ है ना। और ये रडार, सबमरीन, ये रडार है। ये सबमरीन इतना शानदार शानदार वो है, कैन बी इन मेमोरियल, न्यूक्लियर सेफ्टी। ये सबमरीन, पनडुब्बी, और ये मिसाइल, टॉर्पिडो, अच्छा वो टॉर्पिडो है। ये मिसाइल देख साइज इसका, टॉर्पिडो है ये भी। हाँ, ये टॉर्पिडो, वो लाइट वेट टॉर्पिडो। अच्छा, दोनों टॉर्पिडो है क्या? एक्चुअली टॉर्पिडो वो होता है जो पनडुब्बी में अंदर से अंदर जो मार करता है ना। एक वो मूवी में दिखाया था ना टॉर्पिडो, कौन सी थी? उस मूवी का नाम क्या है? गाजी अटैक में ये शायद आपने दोनों चीजें देखी थी। ये छोटा टॉर्पिडो है और वो बड़ा है। ये डलहौजी का मेन चौक है जिसको गांधी चौक बोलते हैं। उसके बाद एक नीचे जाके सुभाष चौक भी आया। ये गांधी चौक यहाँ का मेन है और बहुत बहुत पुराना ये होटल है डलहौजी, बहुत पुराना बना हुआ है ये। और उसके बाद ये नीचे जो रोड जा रही है, रोड चली जाएगी, ये रोड चली जाएगी सुभाष चौक की तरफ। बाकी सारा का सारा मार्केट बस यही ये पॉइंट का नाम है सात धारा। हालांकि अब इसमें पानी खत्म हो चुका है। ये देखो, यहाँ पे पहले पानी होता था, नेचुरल वाटर, ये उसका सोर्स था नेचुरल वाटर का। और कहते हैं कि इस पानी की मान्यता ऐसी थी कि अगर कोई लगा ले किसी को, स्किन डिजीज वगैरह होती थी ना,
तो कोई लगा ले तो वो ठीक हो जाती थी। ये 1, 2, 3, 4, 7 धाराएं ये है टोटल। अब इसके अंदर पानी है नहीं, वैसे बिल्कुल सूखा हुआ है। ये देखो आप, ये है सरदार अजीत सिंह के जन्म 23 फरवरी 1888। आप पढ़ लीजिए सर, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपने बोर्ड पे स्टोरी पढ़ी ली है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये शहीद भगत सिंह के चाचा है। छोटा सा मार्केट बना हुआ है पंचकूला का, एक्चुअली इस जगह का नाम पंचकूला है। राइट हैंड में नीचे जाते हैं तो छोटे छोटे दूसरे शहर जाते हैं, जिसमें कोई 11 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, और ये सारा यहाँ का मार्केट है। साथ में ये सामने टैक्सी स्टैंड है, हमने तो गाड़ी पीछे लगा दी थी। उसको क्या बोलते हैं? जिपलाइन। ये ऊपर जिपलाइन है। बाकी एक फ्लाईओवर टाइप बनाया हुआ है, आप वुडन का, उसके ऊपर भी चल सकते हो। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी है, ऊपर तक मार्केट बना हुआ है। बाकी वही जो टूरिस्ट प्लेस में मार्केट होता है, वही मार्केट है सारा। ऊपर रेस्टोरेंट तो कोई है नहीं। वैसे ना डलहौजी में आप 2 दिन का स्टे आपको बहुत होगा। डलहौजी में बहुत ज़्यादा घूमने वाली जगह कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ नेचर है, टेम्परेचर बहुत बढ़िया है। एक यहाँ पे जगह मैंने आपको दिखाई दी अभी पंचपुला में। तो जी छोटे से ट्रिप को करते हैं यही समाप्त, और अब वापसी की है तैयारी। डलहौजी से हम जा रहे हैं जयपुर। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और बाकी आगे के रास्ता आपने देख लिया था, और फिर मिलते हैं एक नए सीरीज में, नई जगह पे, कोई नए पहाड़ों के साथ। टिल देन घूमते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बाय बाय। बाय बाय।